नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल मेडिटेशन पे। और आज हम आपके लिए लेके आ गए हैं नवरात्रि की कुछ महत्वपूर्ण तिथियां और उसकी जानकारी। आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो कृपया एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको इसी तरह की लेटेस्ट वीडियो मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। हिंदू धर्म में शक्ति की उपासना के लिए नवरात्रि पर्व को बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। साल भर में चार बार नवरात्रि पड़ती हैं, जिसमें दो गुप्त और दो प्रत्यक्ष नवरात्रि कहलाती हैं। हिंदू कैलेंडर में सातवें माह अश्विन मास की प्रतिपदा तिथि से लेकर नवमी तक शारदीय नवरात्रि का पर्व मनाया जाता है। नवरात्रि के 9 दिनों तक शक्ति की अधिष्ठात्री देवी माँ दुर्गा की आराधना की जाती है। इस साल शारदीय नवरात्रि पर्व 26 सितंबर 2022 से शुरू होगा, जो 9 दिन तक चलेगा। फिर 10वें दिन दुर्गा माँ की प्रतिमा का विसर्जन किया जाता है। वहीं ज्योतिष के शास्त्र के अनुसार शारदीय नवरात्रि पर्व इस साल सोमवार से शुरू होने के कारण माँ दुर्गा का वाहन हाथी होगा। आइए जानते हैं शारदीय नवरात्रि 2022 की शुभ तिथियाँ। शारदीय नवरात्रि 2022 की तिथियाँ पंचांग के अनुसार शारदीय नवरात्रि 26 सितंबर 2022 से शुरू होगी और 4 अक्टूबर 2022 तक चलेगी। 26 सितंबर 2022 सोमवार प्रतिपदा तिथि माँ शैलपुत्री की होती है और 27 सितंबर 2022 मंगलवार द्वितीय तिथि माँ ब्रह्मचारिणी, 28 सितंबर 2022 बुधवार तृतीय तिथि माँ चंद्रघंटा, 29 सितंबर 2022 गुरुवार चतुर्थी तिथि माँ कूष्मांडा, 30 सितंबर 2022 शुक्रवार पंचमी तिथि माँ स्कंदमाता, 1 अक्टूबर 2022 शनिवार को षष्ठी तिथि माँ कात्यायनी की होती है, 2 अक्टूबर 2022 रविवार के दिन सप्तमी तिथि माँ कालरात्रि, 3 अक्टूबर 2022 सोमवार के दिन दुर्गाष्टमी मोर महागौरी की कहलाती है, 4 अक्टूबर 2022 मंगलवार महानवमी महासिद्धदात्री, 5 अक्टूबर 2022 बुधवार माँ दुर्गा प्रतिमा विसर्जन दशमी तिथि दशहरा। इस दिन सुबह उठकर स्नान आदि कर लें, फिर पूजा के स्थान पर गंगा जल डालकर उसकी शुद्धि कर लें। घर के मंदिर में दीप प्रज्वलित करें, माँ दुर्गा का गंगा जल से अभिषेक भी करें। नवरात्रि के पहले दिन कलश स्थापना की जाती है। दोस्तों, पूजा घर में कलश स्थापना के स्थान पर दीपक जलाएं, उसके बाद माँ दुर्गा को अर्घ्य दें। माता को अक्षित संदूर और लाल पुष्प अर्पित करें। प्रसाद के रूप में फल और मिठाइयाँ चढ़ाएं। धूप और दीपक जलाकर दुर्गा चालीसा का पाठ करें और फिर माँ की आरती करें। माँ को भोग भी लगाएं। इस बात का ध्यान रखें कि भगवान को सिर्फ सात्विक चीजें ही भोग लगाई जाती हैं। इस दिन माँ को सफेद वस्त्र या सफेद फूल अर्पित करें। माता रानी माँ दुर्गा मैया को सफेद बर्फी का भोग लगाएं। दोस्तों, अब बात करते हैं नवरात्रि घट स्थापना व पूजा सामग्री की। नंबर 1, चौड़े मुंह वाला मिट्टी का एक बर्तन या कलश। नंबर 2, 7 प्रकार के अनाज। नंबर 3, पवित्र स्थान की मिट्टी। नंबर 4, गंगा जल। नंबर 5, कलवा या मूली। नंबर 6, आम या अशोक के पत्ते। नंबर 7, जटा वाला नारियल। नंबर 8, सुपारी अक्षित कच्चा साबुत चावल पुष्प और पुष्प माला। नंबर 9, लाल कपड़ा। नंबर 10, मिठाइयाँ। नंबर 11, सिंदूर। नंबर 12, ध्रुवा। दोस्तों, अब बात करते हैं शुभ मुहूर्त की। घट स्थापना मुहूर्त 7 अक्टूबर को सुबह 6:17 से लेकर 7:07 तक रहेगा और अभिजीत मुहूर्त 11:51 से दोपहर 12:38 के बीच है। जो लोग इस शुभ योग में कलश स्थापना ना कर पाए तो वे दोपहर 12:14 से दोपहर 1:42 तक लाभ का चौघड़िया में और 1:42 से शाम 3:09 तक अमृत के चौघड़िया में कलश पूजन कर सकते हैं। भोजन में विशेष सावधानी बरते, माँ दुर्गा की कृपा आप पर हमेशा बनी रहे। इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगे तो एक बार वीडियो को लाइक जरूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आपका दिन शुभ रहे। जय माता दी।